Dear students, assalamu alaikum. Our today lecture is the extension of our previous lecture, in which we discussed potential difference, electric potential energy, electric potential at a point. Potential difference was work done per unit charge to move it against the direction of electric field intensity, or the change in electric potential energy per unit charge was electric potential difference. And electric potential was the potential at a point, which was KQ divided by R and was dependent on charge, point charge, and distance from the point charge. Now, here we are going to discuss equipotential surfaces and equipotential lines. Is clear from the name, equi means equal, potential means potential. So you know there exist imaginary surfaces around a charge which we call Gaussian surfaces. If we take for example a spherical surface and the charge is exactly at its center, then every point of the sphere is equidistant from the charge, and electric potential, which is V is equal to KQ by R, since R is constant, so electric potential on that whole surface at every point will be same or constant or uniform. So this surface then is called equipotential surface. So equipotential surface can be defined as the imaginary surfaces around a charge where electric potential is same at every point are called equipotential surfaces. किसी चार्ज के इर्द गिर्द वो surfaces imaginary जिस पे हर point पे electric potential क्या हो, same हो. और electric potential same कब होगा, अगर उस surface का हर point charge से equal distance पे हैं, तो तब V is equal to KQ by R क्या रहेगा, constant रहेगा. और जब कांस्टेंट रहेगा तो वो सरफेस क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा. सिमिलर इज द केस ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस. द परपेंडिकुलर लाइंस बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, इनफाइनाइट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द टू चार्जेस विल बी कांस्टेंट. If I draw a perpendicular line over here, so the electric field intensity at each point will be the same. So that is called equipotential line. Or there might be, if you can take circular tracks around a charge when the charge is embedded exactly at the center. Aap charge ke ird gird circle form mein, circle is not a closed surface but a line. तो उस सर्कल का हर पॉइंट चार्ज से इक्वल फासले पर होता है, तो हम इसको हम क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल लाइन कहते हैं. क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल लाइन कहते हैं. सो इक्विपोटेंशियल लाइन क्या है, द लाइन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी आर पॉइंट चार्ज एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द सेम एट एवरी पॉइंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर्फेसिस में क्लियरली आपको फ़र्क नज़र आएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये क्या लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन पे ले लेते हैं या कर्व लाइन पे लेते हैं, जो कि इक्विडिस्टेंट होता है चार्ज से, और हर पॉइंट पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है. ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, ये कर्व लाइन भी हो सकती है. अगर पॉइंट चार्ज है तो उसके इर्द गिर्द अगर सर्कुलर फॉर्म में ले लिया जाए और पॉइंट चार्ज एग्जैक्टली सेंटर में है, तो हर पॉइंट का फासला एक जैसा है, तो V इज इक्वल टू KQ बाई R क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. इसी तरह अगर लाइन है, दो
प्लेट्स के दरमियान अगर स्ट्रेट लाइन है तो इस लाइन पे हर एक चूंकि इक्वल डिस्टेंस पे है उससे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और ये स्ट्रेट लाइन पर क्या कहेगा, ये आपके पास क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल लाइन कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल लाइन कहलाएगा। अब देखो हम आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट अराउंड अ चार्ज। ये बहुत मुश्किल काम है कि हर पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मालूम करें अराउंड अ चार्ज, जो कि डायग्राम अभी दिखा रहे हैं उसमें। हाउएवर इट विल बी ईजी टू ड्रा कंटूर्स, कंटूर्स का मतलब है कि या आप स्ट्रेट लाइन में ड्रा कर सकते हैं या कर्व की फॉर्म में, जिस तरह मैंने सर्कुलर फॉर्म में कंटूर्स, कंटूर्स का मतलब क्लोज्ड ट्रैक्स, क्लोज्ड पाथ्स, इसको कंटूर्स कहते हैं। और कंटूर का हर पोर्शन जो है चार्ज से इक्विडिस्टेंस पे हो, सो इट विल बी ईजी टू ड्रा कंटूर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाइन्स आर सर्फेसिस अराउंड अ पॉइंट चार्ज एज वी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, बिकॉज हमें पता है कि के क्यू बाई आर है। सो ऑल पॉइंट्स ऑन कंटूर एट इक्वल डिस्टेंस, चूँकि हमें पता है कि वी जो है वो के क्यू बाई आर के बराबर हैं, तो ऑल पॉइंट्स ऑन द कंटूर्स एट इक्वल डिस्टेंसेज फ्राम द सेंटर ऑफ द चार्ज मेक इक्वी पोटेंशियल लाइन। और अगर ये सर्फिस की फॉर्म में है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा, दैट विल बी कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो ये मैं आपको फिगर बता रहा हूँ, इन फिगर जो आपके पास है ए बी सी जो है, ये देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन क्या है, लाइन है, ये दूसरी इक्विपोटेंशियल लाइन है, ये तीसरी, और अगर ये स्फेयर की फॉर्म में है तो यही ए क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस ए कहलाएगा, दूसरा जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस बी कहलाएगा, और तीसरा जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस सी कहलाएगा। सो इसमें कोई और डिफरेंस नहीं, एक सरफेसेस के लिए और एक जो है पॉइंट्स को जॉइंट करें, अगर वो पॉइंट्स जो है इक्वल डिस्टेंस पे हैं चार्ज से तो वो इक्विपोटेंशियल लाइन बनाएगा, लेकिन अगर हम सरफेसेस ले लें तो फिर वो क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। यानी अगर कोई सरफेस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे हर पॉइंट है तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये देखो, ये देखो, इधर मैंने पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव के दरमियान ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये आ रहे हैं, तो ए बी सी यहाँ पर देखो, ए बी सी अगर आप देख लें यहाँ पर आपके पास इक्विपोटेंशियल लाइंस है, ए बी सी आर इक्विपोटेंशियल लाइंस। हेयर यू सी द एंगल बिटवीन द डॉटेड लाइन एंड द डैश्ड लाइन एंड द डार्क लाइन इज 90 degrees, सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हेयर यू ऑल्सो सी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमर्जिंग आउट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू द सर्फेसिज, द इक्विपोटेंशियल सर्फेसिज। सो हेयर यू सी दैट ए हैज़ डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देन बी, बी हैज़ डिफरेंट पोटेंशियल देन सी, बिकॉज दे आर different, they are at different distances from the charge plus q, ye charge। ab dekho ye hain aapke paas kya equipotential surfaces aur equipotential lines ka concept hai, aur agar do hain to uske darmiyan ye dekho ye minus q hain ye plus q hain, to ye equipotential surfaces ek dusre ke sath kya karte hain, interaction karte hain aur close hote hain, like is shown in the figure। In case of two or more charges, ये देखो electric potential is the sum of potentials due to many charges, यानी plus q की वजह से और minus q की वजह से उसका sum होगा। So electric potential can be positive or negative depending upon the sign of the charge, it can be plus kq by r or minus kq by r, plus kq by r and minus kq by r। So if you have many charges, their electric potential can be simply add up together, the charge with negative sign will have v is equal to minus kq by r and the charge with positive sign can have kq divided by r। to bas ye clear ho gayi ki equi means equal,
potential means potential is same. So these are called equipotential surfaces. Okay then, since all points on equipotential surfaces and equipotential lines are at the same distance from the point charge or source charge, so they are having equipotential, V is equal to KQ by R, and the potential difference will be zero. In VA minus VB, KQ by R minus KQ by R is zero. When the potential difference is zero, then work done will be zero. You see, potential difference is equal to work per unit charge, then work will be equal to Q delta V. So delta V is zero, Q multiplied by zero is zero. That means work done on equipotential surface or equipotential line between two point is always zero. तो equipotential surface पे अगर charge को एक point से दूसरे की तरफ move करोगे या equipotential line पे move करोगे, तो चूंकि potential difference zero है तो work done क्या होगा, zero होगा, because work done Q delta V के बराबर है. अब हम आते हैं, what is the relation between potential difference and electric field intensity, what we call potential gradient. Potential gradient, if we study the variation of electric potential with respect to distance, then it is called potential gradient. Like if you have a point charge, if you take two point closer to the charge, then delta V will be something else. And if you take this two points away from the charge, delta V will be something else. इसी तरह अगर दो पॉइंट नज़दीक लोगे तो डेल्टा वी ज़्यादा होगी, दूर लोगे तो डेल्टा वी कम होगी, यानी डिस्टेंस के साथ जो डेल्टा वी है वो क्या आ रहा है, वो चेंज होगी. और जब भी डेल्टा वी की वेरिएशन डिस्टेंस के साथ होती हैं तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन फ्राम द सेंटर ऑफ द पॉइंट चार्ज. अब देखो, कंसिडर, आप देखो, टू अपोजिटली चार्ज प्लेट ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशन आर सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा आर, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज यूनिफॉर्म, इज यूनिफॉर्म. अब देखो, आपके पास दो अपोजिटली चार्ज प्लेट हैं इनफाइनाइट उसके हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड उन दोनों के दरमियान क्या है, यूनिफॉर्म है. टेस्ट चार्ज को अगर छोड़ दिया जाए तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ खुद ब खुद भाग के आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ खुद ब खुद भाग के आएगा. लेकिन अगर नेगेटिव से हमने ऊपर ले जाना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा, जिस तरह हमने पोटेंशियल डिफरेंस के टॉपिक में डिस्कस किया. सो द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट is moved from plate B to plate A against the direction of electric field intensity, keeping electrostatic equilibrium. Yani, देखो यहाँ पर अगर आप डायग्राम को देखो तो F is equal to Q naught E, that is the force exerted by electric field. और ये जो ऊपर हम उठा रहे हैं तो minus Q naught E, ये क्या है, upward force है, क्या है, upward force है. और वही बात जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात की थी कि छोटा सेगमेंट ले लो कि उसके अंदर मियान क्या रहे, फोर्स कांस्टेंट रहे, फोर्स क्या रहे, कांस्टेंट रहे, उसमें वेरिएशन ना हो. अब देखो, जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं, क्या ले जाते हैं, तो डेल्टा आर यहाँ पर ऊपर, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, डाउनवर्ड है, तो उनके दरमियान एंगल क्या है, 180 है, क्या है, 180. या अगर आप डेल्टा आर की डायरेक्शन वाला फोर्स लेना चाहते हो तो 180 ना लो, तो ये फोर्स माइनस क्यू नॉट ई है और ये डेल्टा आर हो जाएगा, तो माइनस क्यू नॉट ई डेल्टा आर अगेन आ जाएगा, तो दोनों ठीक है. तो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो इससे आपके पास एफ डेल्टा आर कॉस 180 और माइनस एफ डेल्टा आर आ जाएगा. सो दैट विल गिव यू द वर्क डन फ्रॉम बी टू ए टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. नाउ कम
फ्रॉम आवर प्रीवियस नॉलेज हमें पता है कि एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ा था कि एफ ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, तो उससे फोर्स जो आना चार्ज किया है क्यू नॉट ई के बराबर है। तो ऊपर का जो इक्वेशन है ज़रा देख लो, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए और एफ की जगह हम क्या लगा लेते हैं, उसकी कीमत लगा लेते हैं क्यू नॉट ई, तो ये क्या जाएगा, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए माइनस क्यू नॉट ई डेल्टा आर आ जाएगा, माइनस क्यू नॉट ई डेल्टा आर आ जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज़ द वर्क डन फ्रॉम बी टू ए डिवाइड बाई क्यू नॉट, तो वन बाई क्यू नॉट और वर्क डन फ्रॉम बी टू ए क्या है, ये आपने ऊपर क्या है माइनस क्यू नॉट ई डेल्टा आर है, तो ये क्यू नॉट और क्यू नॉट क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा, माइनस ई डेल्टा आर, तो ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई आर आ जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, ये जो मैंने आपको बयान किया नेगेटिव ऑफ द। अब जनाब अगर हम बात क्लियर कर लूँ, मैं माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर है, अगर हम देखो ये क्या बताता है हमें, अगर हम लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ आते हैं, यानी चार वोल्ट से पाँच वोल्ट की तरफ आते हैं, तो फाइव माइनस फोर से क्या आएगा, वन आएगा, प्लस वन आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब यह है कि ए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, यानी अगर पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दिया जाए तो खुद बहुत हायर से लोअर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर डेल्टा वी क्या है, अगर एक चार्ज जो है, देखो पहले हमने क्या कहा, पहले हमने कहा कि लोअर से हायर की तरफ आता है, अब हायर से लोअर की तरफ जाता है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, हायर से लोअर की तरफ, यानी 5 वोल्ट से 4 वोल्ट की तरफ जाता है, अब 4 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट से माइनस वन आएगा, तो फिर ई इज इक्वल टू प्लस होगी। वेन एवर यू आर मूविंग अ चार्ज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव होगी, यानी वर्क होगा अगेंस्ट दी। अब अगर लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, हायर से लोअर यानी हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लोअर टू हायर क्या है, 10 से 20, तो 20 माइनस 10 प्लस 10, तो ये नेगेटिव साइन इधर इसके साथ पड़ा हुआ है, तो ई नेगेटिव होगी। और अगर हायर से लोअर की तरफ जाता है, यानी 20 से 10 पे जाता है, तो 10 माइनस 20 माइनस 10 आएगा, तो माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस क्या आएगा, प्लस आएगा। सो दिस शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज। दिस मीन्स इसका मतलब ये हो गया दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू पॉइंट अवे फ्रॉम द चार्ज विल बी लेस एंड वाइस वर्सा एंड क्लोजर टू द चार्ज विल बी मोर। नोट वर्क डन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस इज जीरो, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है, ये है आपके पास रिली। अब सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन अभी मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया कि इसका फ़ायदा, इफ़ इन सर्टन रीजन ऑफ स्पेस ई इज इक्वल टू जीरो, अगर सर्टन रीजन ई जीरो है देन डेल्टा वी इज जीरो, तो डेल्टा वी जीरो होगा बट वी इज़ कॉन्स्टेंट। इसका क्या मतलब हो गया, अगर ई जीरो भी हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि वी जो है वो ज़ीरो हो, वी ज़ीरो भी हो सकती है और कॉन्स्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। अगर वी कांस्टेंट है तो के क्यू बाई आर, तो ई इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आर है, तो डेल्टा वी जीरो आ जाएगा, तो ई भी जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज नॉट नेसेसरी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हाँ मखा जीरो, वो कांस्टेंट होगी। सो दस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू एंड नॉट नेसेसरीली अ जीरो वैल्यू, जीरो भी हो सकती है और कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। इफ़ ई इज जीरो एट एनी पॉइंट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर वी टू बी जीरो इन दैट रीजन बट इट कैन हैव सम कांस्टेंट वैल्यू, वही बात है जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब की डिस्कस की, तो ये हैं। सो अगर आपके पास इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है, ई इज इक्वल टू जीरो इन साइड द शेल बट वी हैज सम कांस्टेंट वैल्यू इन साइड द शेल, ये है आपके पास। अब इस रिलेशन से ई की वैल्यू क्या आती है, ई जो है आपको पता है यहाँ पर डेल्टा वी बाई डेल्टा आर आ गया, और एफ बाई क्यूब पहले आया था, पहले डेल्टा फाइव बाई ए आया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, तो वोल्ट पर मीटर, जोल पर मीटर, कूलम, न्यूटन पर कूलम, ये देखो ये मैं ऐसे ही कर रहा हूँ कि एंटी टेस्ट में आता है कि वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू, ये जोल मीटर पर कूलम भी आ सकता है, न्यूटन पर कूलम भी आ सकता है,
और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी आ सकता है. सो लिंक करते जाओ फॉर द सेक ऑफ एंट्री टेस्ट. तो ये आपके पास है पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस. नाउ कम टू द स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी विच वी कॉल इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इज इट इज क्लियर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट इज द एनर्जी एक्वायर्ड आर लास्ट बाई एन इलेक्ट्रॉन. एनर्जी गेंड आर लास्ट बाई एन इलेक्ट्रॉन इज इट इज मूव्ड बिटवीन टू पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट बिटवीन देम इज कॉल्ड वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एनर्जी एक्वायर्ड आर लास्ट बाई इलेक्ट्रॉन. एनर्जी एक्वायर्ड अगर देखो इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, ये देखो एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है. इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एक्वायर्ड करना है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ले जाएंगे बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव रिपेल करता है. तो अब अगर पॉजिटिव से हम उसको दूर ले जाएंगे तो नेगेटिव उसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट, तो हम उस पर काम करेंगे और वो काम उसमें स्टोर होगा एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. और लास्ट अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के नज़दीक है तो और उधर पॉजिटिव है सपोज, तो नेगेटिव चार्ज उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा. अगर पॉजिटिव ना भी है तो दो पॉइंट है और उसके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट है, तो वो एनर्जी जो उन्होंने लास्ट की उसको हम फिर क्या कहते हैं? वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं. द एनर्जी एक्वायर्ड आर लास्ट बाई इलेक्ट्रॉन इज इट इज़ मूव्ड बिटवीन टू पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट. ये देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, ये नेगेटिव. अब हम इलेक्ट्रॉन को इधर से लेकर इधर तक ले आ रहे हैं, चूंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है, पॉजिटिव को छोड़ो कोई भी वो मैं आप करें, इलेक्ट्रॉन को मैं इधर ले आता हूँ तो ये आना नहीं चाहता, ये ज़ोर से आ रहे हैं. ये जो मैं कर रहा हूँ तो ये वर्क स्टोर हो रहा है एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान, अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रॉन में जितनी एनर्जी स्टोर हो गई वो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी. अब मैं इलेक्ट्रॉन को इधर से छोड़ता हूँ तो खुद बहुत इधर जाता है, तो इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगेन जब जाता है तो ये एनर्जी लॉस करेगा और ये लॉस करेगा तो वो क्या होगी? वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कहलाएगी. सो दैट इज़ द स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी. और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन वाले इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने, डेल्टा वी आपको पता है, डेल्टा यू बाई क्यों, और डेल्टा यू क्या होता है? क्यों डेल्टा वी के बराबर होता है. अब जनाब विन चार्ज क्यों फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इट लूजेस पी ई एंड गेन काइनेटिक एनर्जी. देखो अगर चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज के नज़दीक है तो क्या करेगा? इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, जब उसको छोड़ देते हैं तो वो भाग जाता है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती है. तो लॉस ऑफ पी ई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो क्यों डेल्टा वी. अब चूंकि ये डेल्टा वी क्या होगा, ये डेल्टा यू वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब होगा? अगर ये क्यों क्या हो, वन इलेक्ट्रॉन हो, चार्ज वन इलेक्ट्रॉन के बराबर हो और डेल्टा वी वन वोल्ट हो, तो ये देखो फार्मूले में आपने पुट कर दिया तो डेल्टा के ई क्या आ जाएगा? ई मल्टीप्लाई बाई वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जनाब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम और मल्टीप्लाइड बाई वन वोल्ट, तो इससे आपके पास आ जाएगा दैट मच 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इंटू वोल्ट विच विल गिव यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जोल देगा आपको. तो इससे आपके पास और एमसीक्यूज आ गया, कूलम इंटू वोल्ट इज आल्सो इक्वल टू जोल, न्यूटन इंटू मीटर इज आल्सो इक्वल टू जोल. So you can give one. This is the way how you should look into physics to do your MCQs also. So it is used for measuring the energies of elementary particles. Usually elementary particles जो छोटे जो प्रोटॉन हैं, इलेक्ट्रॉन हैं और उसके सब मल्टीपल यूनिट्स जो होते हैं वो क्या हैं, वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10^6 इलेक्ट्रॉन, 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वगैरह वगैरह, या प्रीफिक्सेस वगैरह से आदि हैं, ये 10^-9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं. सो हेयर इन दिस डिस्कशन वी फोकस्ड ऑन इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस एंड इक्विपोटेंशियल लाइन. इक्विपोटेंशियल सर्फेस चार्ज के इर्द गिर्द वो सर्फेसिस जिसमें हर एक पॉइंट पे
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, सेम हो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल लाइन। अगर चार्ज के गिर्द पॉइंट है, पॉइंट को ड्रा करें और लाइन ड्रा, पॉइंट को मिलाएं, लाइन ड्रा करें और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो एक जैसा हो, तो वो क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल लाइन कहलाएगा। और आप इक्विपोटेंशियल लाइन और इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस आर परपेंडिकुलर टू व्हाट, टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने डिस्कस की। फिर हमने कहा कि जो स्मॉलर यूनिट हैं किसका, एनर्जी का, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, विच इज़ द एनर्जी एक्वायर्ड आर लॉस्ट बाई इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज़ मूव बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ वन वोल्ट, बिटवीन टू पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट। सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड आई एक्सपेक्ट एंड होप दैट वी विल जॉइन टुगेदर एंड वी विल बी हैप्पी एंड आई विल बी मोर एनर्जेटिक when there is eye to eye contact with you people, because eye to eye contact mein you have seen me how I deliver, that is totally different than I am delivering. Thank you very much for today. Wait for the next lecture.